हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बने बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। माय नेम इज़ पूजा अग्रवाल एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, अ काउंसलर एंड अ हीलर। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे, बहुत टाइम से अगर आपके बिज़नेस में सेल्स नहीं हो रही है या फिर रिपीट कस्टमर्स आपके पास नहीं आ रहे हैं या प्रॉफिट नहीं हो रहा है आपके बिज़नेस में, तो इस वीडियो में आज हम इन सब से रिलेटेड बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है बिज़नेस में ग्रोथ नहीं होती है या सेल्स नहीं होती है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कस्टमर इंट्रैक्शन। ये बहुत कॉमन चीज़ है बट फिर भी कई बार गलती कर जाते हैं हम लोग। जब हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स कस्टमर, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बिज़नेस में सेल्स के लिए। अगर वो कस्टमर आपसे सामान नहीं भी ले रहा है बट अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो वो आपके व्यवहार को ज़रूर याद रखेगा और वो दूसरे क्लाइंट्स को इंट्रोड्यू आपके बारे में रेफरेंस ज़रूर देगा। तो आप किस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं, आप अगर कोई बहुत बहुत कोई रिच कस्टमर आया है तो अगर उसको अलग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और कोई बहुत आपको पता है कि कोई बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं है, मिडिल क्लास से है, तो उसको अलग ट्रीट कर रहे हैं, तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी बिज़नेस ग्रोथ के लिए। तो इस फैक्टर का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आप हर कस्टमर को इक्वली ट्रीट करें और उनको अच्छे से ट्रीट करें। दूसरा होता है साफ़ सफाई। अगर आपका एनवायरनमेंट, आपकी वर्क प्लेस साफ़ नहीं है तो भी कस्टमर जो है उन बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ आती हैं फिर उस एनवायरनमेंट से और फिर वहाँ पे बिज़नेस ग्रोथ नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप अपनी वर्क प्लेस पर जाएँ या बैठें तो वो एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो ये सब थे तो जो कॉमन फैक्टर जो मोस्टली ऑलमोस्ट सबको पता ही होते हैं बट फिर भी हम लोग कई बार इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। अब हम बात करेंगे वास्तु के हिसाब से। तो वास्तु के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो होता है वो न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का डायरेक्शन होता है। तो अगर आपका कोई भी बिज़नेस है, बुटीक है अगर मान लीजिए आपकी कोई, तो जो आपका बुटीक का डिस्प्ले होता है कपड़ों का, वो आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए तो उससे आपके पास नए कस्टमर अट्रैक्ट भी होंगे। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो होता है वो ना ही ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है और नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी अच्छा होता है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन ग्रोथ के लिए होता है स्पेसिफिकली। तो अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपका बुटीक है या आपका कोई बिजनेस है, सेल्स है, कुछ भी है, तो अगर आप वहाँ पर कोई भी ग्रीन कलर का प्लांट या कुछ भी ग्रीन कलर का रख देंगे तो वो आपके बिज़नेस की ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा। स्पेशली अगर आप बैम्बू प्लांट रख देते हैं तो बहुत अच्छा होगा आपके बिज़नेस की ग्रोथ के लिए, और उसको टाइम टाइम पे पानी भी देते रहिएगा, वो पौधा सूखने ना पाए। बैम्बू प्लांट इसलिए क्योंकि बैम्बू प्लांट बहुत टाइम तक चलता है और वो बहुत लकी माना जाता है, अकॉर्डिंग बिज़नेस के लिए बहुत लकी माना जाता है। तो वो अगर आप रखते हैं तो आपके बिज़नेस में बहुत ग्रोथ होगी। वास्तु में एक चीज़ और है, अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में बैठते हैं या आप नॉर्थ डायरेक्शन में आपका बुटीक है या बिज़नेस है या आप जहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, येलो कलर का कोई भी सामान वहाँ पे ना हो या येलो कलर का कोई भी क्लोथ या कुछ भी येलो कलर ना हो, क्योंकि येलो कलर माना जाता है नॉर्थ डायरेक्शन में अगर वो होता है तो वो ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो इससे हो सकता है कि आपकी सेल्स कम हो या आपके पास नए कस्टमर्स ना आए या रिपीट कस्टमर्स ना आए। तो ये सब चीज़ें थी वास्तु के हिसाब से। कई लोग इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं बट मेरी मानिए दोस्तों, वास्तु शास्त्र एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी बिज़नेस के ग्रोथ के लिए। अब हम बात करेंगे स्विच वर्ड्स की। मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में स्विच वर्ड्स के बारे में बताया है। देखिए, इसको चैंट करने से आपका कोई नुकसान तो हो नहीं रहा है, हो सकता है आपको कुछ फ़ायदा ही हो जाए। तो इसको अगर आप पूरे मन से और पूरी सच्चाई से चैंट करेंगे तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो आप इनको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। एक स्विच वर्ड है, मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगी, रिडिकुलस काउंट।
इस स्विच वर्ड को अगर आप चैंट करते हैं, 5 से 5 से 10 मिनट डेली इसको चैंट करिए, नहाने से पहले, नहाने जब भी मतलब आपको समय मिले तो 5 से 10 मिनट आप इसको चैंट करिए। ये आपके बिजनेस में ग्रोथ ही लाएगा, कुछ इससे आपको नुकसान नहीं होगा, आपका बिजनेस और ग्रोथ करेगा और अच्छा होगा। इसको आप अपने ब्लू पेन से लेफ्ट हैंड पे लिख भी सकते हैं, नहाने के बाद आप इसको रोज़ लिख लें, या फिर आप जहाँ पे बैठते हैं वर्क प्लेस पे उस पर एक वाइट पेपर लें, उस पर ये मतलब ये स्विच वर्ड लिख के अपने डेस्क में डाल दें, या फिर वहाँ पे स्टिक कर ले वॉल पे, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है बिज़नेस ग्रोथ के लिए। इसको आप ट्राई करिएगा और देखिएगा कि मतलब ये कितना अच्छा रिजल्ट्स देता है। एक स्विच नंबर भी होता है, वो मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ, उस स्विच नंबर को भी आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों ही बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम बात करें तो अगर आपका न्यूमरोलॉजी नंबर 1, 3, 4 या 9 है, तो अगर आप कोई भी येलो कलर का टाल या क्लोथ अपने वर्क प्लेस पे जहाँ पे आप बैठते हैं जिस चेयर पे, उस चेयर पे पहले रख लें फिर उसके ऊपर बैठे, तो इससे आपका सेल्स बहुत इम्प्रूव होगा, क्योंकि येलो कलर इन न्यूमरोलॉजी नंबर्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपका न्यूमरोलॉजी नंबर 2 है तो वाइट कलर का क्लोथ लें। अगर आपका न्यूमरोलॉजी नंबर 5 है तो ग्रीन कलर का कोई क्लोथ या टाल लें। अब नंबर 6 शुक्र का नंबर माना जाता है, तो अगर आप कोई भी अपने वर्क प्लेस पे कोई भी फ्लोरल फ्रेग्रेंस स्प्रेड कर दें या लगा दें तो वो आपके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। नंबर 7 लाइट ऑरेंज या लाइट पिंक, कुछ भी लाइट कलर का क्लोथ लें। अगर आप उसको नहीं भी बिछा रहे हैं तो आप अगर उसको अपने पास रख भी रहे हैं अपनी वर्क प्लेस पे, तो वो भी इफ़ेक्टिव ही माना जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर बैठिए ही, वो भी इफ़ेक्टिव माना जाता है। लास्टली नंबर एट जो होता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से शनि का नंबर माना जाता है, तो कोई भी ब्लैक कलर का क्लोथ लें और उसको रख दें अपने वर्क प्लेस पे। तो अगर आप अपना डायरेक्शन सही रखते हैं और आप स्विच वर्ड्स चैंट करते हैं और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देते हैं, तो आप देखिएगा कि आपको ज़रूर 100% रिजल्ट्स मिलेगा और ज़रूर आपके बिजनेस में ग्रोथ भी होगी, और जो आपके कस्टमर रिपीट नहीं आ रहे थे वो भी रिपीट आएंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है कि आजकल कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रखने होंगे जो आपके कस्टमर डिमांड करते हैं। आपको अपना प्रोडक्ट की कुछ USP रखनी होगी ताकि कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो इन ये सब छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका बिज़नेस ज़रूर ग्रोथ करेगा। बस यही था इस वीडियो में। मैं जल्दी नई वीडियो के साथ आऊँगी कुछ नए टॉपिक लेकर। थैंक यू, कीप लविंग एंड सपोर्टिंग।